दोस्तों आज की स्मैकडाउन में जैकब फाटू की मदद से सोलो सिकुआ ने रोमन रेंस की बैंड बजा दी। इंजरी होने के बावजूद रोमन रेंस पर भारी पड़ गया जैकब फाटू। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैकब फाटू की इंजरी स्टोरी लाइन के हिसाब से स्क्रिप्टेड हो सकती है, तो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये बोल रहे थे कि नहीं, जैकब फाटू की इंजरी तो रियल है। लेकिन आज आप खुद देख सकते हो जैकब फाटू ने इतनी जल्दी रिटर्न भी कर लिया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि WWE की सारी बातों पर विश्वास मत किया करो, क्योंकि ये WWE है, एक एंटरटेनमेंट शो है। यहाँ स्टोरी लाइन को तगड़ा बनाने के लिए WWE कुछ भी कर सकती है। और ये जो सोशल मीडिया पर WWE की न्यूज आती है कि इंजरी हुई है, पिंजरी हुई है, ये सब खुद से न्यूज नहीं बनाते, ये भी WWE के आधार पर ही न्यूज देते हैं। तो दोस्तों आप खुद सोचो WWE रियल रीजन क्यों बताएगी। तो दोस्तों यही रीजन है कि मैं बाकी लोगों की तरह अपनी वीडियो सोशल मीडिया की न्यूज के आधार पर नहीं बनाता। मैं अपनी ज्यादातर वीडियोज में न्यूज के साथ साथ अपना रियल ओपिनियन भी देता हूँ। दोस्तों आप खुद सोचो, जैकब फाटू कोई आंडू बांडू सुपरस्टार तो है नहीं, उसे खतरनाक मैचेस खेलने का काफी तगड़ा एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि उसको इंजरी नहीं हो सकती, उसको इंजरी हो सकती है, लेकिन समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस के रिटर्न के टाइम पर ही इंजरी क्यों होगी, आप खुद दिमाग लगाओ। बात तो सही है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आज की स्मैकडाउन के मेन इवेंट की, तो आज की स्मैकडाउन के मेन इवेंट में सोलो सिकुआ ने एक बार फिर से रोमन रेंस को ललकारा और कहा कि अगर रोमन रेंस में दम है तो ये उला फाला रोमन रेंस सोलो सिकुआ से लेकर दिखाए। और तभी दोस्तों रोमन रेंस का एंट्रेंस थीम बजता है और आज की स्मैकडाउन में तो रोमन रेंस काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। दोस्तों आज की स्मैकडाउन में एक बार फिर से हमें रोमन रेंस और सोलो सिकुआ के बीच में घुसंडबाजी देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में तो सोलो सिकुआ रोमन रेंस को घुसंडबाजी में बराबर की टक्कर देता है, लेकिन एंड में रोमन रेंस ही सोलो सिकुआ पर भारी पड़ता है। दोस्तों टामा टोंगा सोलो सिकुआ की मदद करने के लिए आता है तो रोमन रेंस टामा टोंगा की भी अकल ठिकाने लगा देता है। दोस्तों आज की स्मैकडाउन में तो रोमन रेंस सोलो सिकुआ के ऊपर एक जोरदार सुपरमैन पंच और स्पीयर भी लगा देते हैं। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, जब से रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया है तब से रोमन रेंस का सुपरमैन पंच और स्पीयर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। दोस्तों टामा टोंगा और सोलो सिकुआ की अकल ठिकाने लगाने के बाद रोमन रेंस उला फाला को पहन लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से जैकब फाटू अपना रिटर्न करते हुए रोमन रेंस पर अटैक कर देते हैं और फिर सोलो सिकुआ जैकब फाटू और टामा टोंगा की मदद से रोमन रेंस को रिंग साइड पर टेबल के ऊपर एक जोरदार पावर बॉम्ब लगा देते हैं। दोस्तों फाइनली आज की स्मैकडाउन में रोमन रेंस और जैकब फाटू का आमना सामना भी हो ही गया। हालांकि आज की स्मैकडाउन में जैकब फाटू की वजह से सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन रोमन रेंस पर भारी पड़ गई, लेकिन जल्दी ही रोमन रेंस इसका बदला भी लेकर रहेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।